कथा कथा नहीं है। यहाँ जितने लोग कथा सुनने आते हैं, जितने लोग टीवी पर सामने बैठकर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, ये केवल कथा नहीं सुनते, बाबा से अपने दिल की बात कहते हैं, बाबा उनकी झोली खुशियों से भर भी देता है, भरता है। प्रतिदिन कथा कितनी बजे से कितनी बजे तक चल रही है? 2 बजे से 5 बजे तक। आज कथा 2 से 5 है, कल बस एक दिन की कथा, कल की कथा, केवल केवल कल की कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहता, केवल कल की कथा का, बाकी के समय फिर वही 2 बजे से 5 बजे, बस कल का समय 1 बजे से 4, टीवी पर भी और यहां पर भी। अविरल भक्ति है शिव, अविरल भक्ति। और उस भक्ति का बल प्रबल, केवल पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, इस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर कथा नहीं सुन रहे हो, उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने मन से आप बाबा से गुणगान कर रहे हो, अपने आप बाबा से कुछ ना कुछ विनय कर, आप बाबा से निवेदन कर रहे हो, गला पकड़ रहा है बाबू उसको देखो, अपने आप बाबा से विनय कर रहे हो, निवेदन कर रहे हो, भगवान से विनती कर रहे हो, कह रहे हो हृदय से, आप दिल से उससे कहो, वो दिल से सुनता है। पहले एक बार कहा है आपको, एक बार आवाज लगाना, ए कमल, कमला, 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 एक बार, दो बार, 3 बार आवाज लगाओगे, जितनी कमला बैठी होगी वो पलट कर तुमको देखेगी जरूर, बोलो देखेगी ना, उसको लगेगा मुझे बुला रहे। आप रोज रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहोगे, आप रोज रोज उसको पुकारोगे, रोज रोज उससे विनती करोगे, रोज रोज उससे निवेदन करोगे, आप रोज रोज उससे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे उसको दिल से, आप रोज रोज उससे दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे, पुकारोगे उसको, सुनेगा। स्नेहवश सारे देवी देवताओं को बहुत सारी सामग्री लगती होगी, देते होगे, पर मेरे महादेव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे महादेव को तो केवल आप एक लोटा जल चढ़ा दो तो ठीक है, मंदिर के अंदर चले जाओ तो ठीक है, ना जा पाओ शिखर का दर्शन कर लो तो ठीक है, इतना भी नहीं बने तो मंदिर के सामने से बस केवल मुस्कुरा कर निकल जाओ तो ही बाबा कल्याण कर देता है, ये शिव का ये उघड़ी, ये शंकर, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी का मूल तत्व है, ये भगवान शिव की अविरल भक्ति है। आप कहो उससे, निवेदन करो उससे, जब पुकारोगे तो वो सुनेगा। शिव महापुराण की कथा कह रही है, बड़ा सुंदर संवाद कह रहा है।